विंटर्स के आते ही ना हमें एक बहुत ही अच्छी सी ऐसी विंटर क्रीम की ज़रूरत होती है जिसमें सारी चीज़ें हों, यानी कि सनस्क्रीन भी हो, वो हमारी स्किन को ड्राई होने से भी बचाए, हाइड्रेटेड रखे, मॉइस्चराइज रखे, सॉफ्ट एंड सबल रखे, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हों ताकि फाइन लाइन्स एंड रिंकल से भी बचाए। अब ये सारी चीज़ें और साथ में नेचुरल भी हो, आज मैं आपका मसला हल के देती हूँ। आज मैं आपके साथ ऐसी अपनी जबरदस्त सी एंटी एजिंग ऑल इन वन विंटर्स की क्रीम शेयर करने जा रही हूँ, जो आप लगाएंगे तो फिर आप विंटर्स के सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। कीप वॉचिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच, आप इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल का इतना ख्याल रखते हैं, मेरी वीडियोस को इतना प्यार से देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखने से पहले ही लाइक कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मुझ पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि मुझे हर वीडियो बहुत अच्छी बनानी है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए हर वीडियो जो है वो बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब बाय द वे आज की वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो है, और उस वीडियो में जो है वो कपड़ों से मेरे अंदाज़ा हो रहा है ना आपको कि ठंड आ चुकी है, शॉल्स निकल आई हैं, गरम गरम कपड़े, मज़ा आता है। और लेकिन ऐसे में ना जब ठंड आती है तो स्किन ड्राई होती जाती है, और स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन होती है, जो जो सुन रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, क्योंकि एक तो वैसे ही वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम एज करते हैं, हर साल हम अपनी कॉलेजन, हर साल क्या बल्कि हर सेकेंड हम अपनी कॉलेजन की प्रोडक्शन जो है ना हमारी वो स्लो डाउन हो जाती है। हमारी कॉलेजन तो ये मैट्रेस होता है ना, ये नया नया मैट्रेस होता है ना, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना वो होता है हमारी कॉलेजन होती है, जो एक पिलो देती है हमें हमारी स्किन को अंदर से। लेकिन जब वक्त के साथ साथ स्किन जो है वो ड्राई होती जाती है, अपनी कॉलेजन लूज़ करती है, अपनी हाइड्रेशन लूज़ करती है, तो फिर इस तरह का हो जाता है हाल। ये मैट्रेस देख रहे हैं तो बस यही हाल है हमारी स्किन का। तो इसलिए हमें अपनी एंटी एजिंग रिजीम जो है ना वो बहुत शुरू से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कितना शुरू से, यानी कि 25 इयर्स के बाद जो है समझ लें कि अपनी स्किन का जो रिजीम है, आपको हर किसी को एंटी एजिंग रिजीम स्किन का रूटीन जो है वो, या वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमें इस प्रॉब्लम से बचाएं। क्योंकि जैसे जैसे हम हमारी स्किन से हाइड्रेशन थोड़ी सी कम होने लगती है, कॉलेजन की प्रोडक्शन कम होने लगती है, तो फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सैगिंग, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप अपना शुरू से ख्याल रखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपकी स्किन जो है वो आगे चलकर प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, उसकी तरफ नहीं जाएगी, और अपनी स्किन आपकी हमेशा एक यूथफुल लुक के साथ रहेगी। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है ऑब्वियसली हमारी लाइफस्टाइल का, लेकिन विंटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें एक ऐसी क्रीम की ज़रूरत होती है विंटर्स के आते ही, जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन रखे, और साथ साथ जो है वो फाइन लाइन्स, रिंकल से बचाए हमें, उसमें सनस्क्रीन भी हो, उसमें सारी क्वालिटीज़ हो। अब ये इतना मुश्किल होता है कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कोई ऐसी मार्केट में कोई चीज़ तलाश करें जो कि बजट फ्रेंडली भी हो ऑब्वियसली, और ये सारी क्वालिटीज़ रखती हूँ। तो इसका बेस्ट हल ये होता है कि मैं जिस तरह से करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि आज मैं ऑल इन वन एक ऐसी विंटर की क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं। ये एक ऐसी क्रीम है जो आपको प्री मेच्योर एजिंग से बचाएगी, आपकी स्किन को सॉफ्ट सपल, वो जो कुशन की जिसकी बात करी हूँ ना, उस तरह से रखेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऑल स्किन टाइप्स के लोग लगा सकते हैं इसको, सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, बजट फ्रेंडली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इस मिरेकुलस एंटी एजिंग विंटर क्रीम जो कि ऑल इन वन क्रीम है, उसके लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है शेयर बटर। शेयर बटर बहुत ही आराम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपको बड़ी बड़ी पंसारियों की दुकान से भी मिल जाता है, और अगर आपको ना मिल सके तो बीज वैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीज वैक्स बहुत सस्ता होता है और बहुत आराम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं इन दोनों चीज़ों की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। लेकिन अगर ये दोनों ना मिलें आपको या ना ले सकें तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पेट्रोलियम जेली। अच्छा, अब शेयर बटर के हम 2 टीस्पून भर कर यूज़ करेंगे, क्योंकि शेयर बटर जो है उसमें एक ऐसी सलाहियत पाई जाती है कि जो हमारे स्किन के डार्क स्पॉट्स होते हैं, एज स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, मुख्तलिफ निशानात होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। अच्छा, शेयर बटर को आपने मेल्ट करना है, पहले एक प्याले में गर्म पानी डाल दीजिए, उसमें छोटा सा ये शेयर बटर का प्याला रख दीजिए, और उसमें आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तो इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल के तौर पर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
मैं कर रही हूँ इस वक्त एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये कैरियर ऑयल क्या करेगा कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इन्हेंस करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा। इसके मैं 8 टीस्पून्स ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी ग्लिसरीन, जो कि बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट है, जो हमारी स्किन के टॉप लेयर पर मॉइस्चर को रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो ग्लिसरीन का भी मैं 1 टीस्पून इसमें भर के ऐड करूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल, जो हमारी स्किन के कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और हमारी स्किन के जो नए सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा इसी के साथ मैं विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज़ करूँगी, क्योंकि विटामिन ई जो है वो स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल रखता है। इसके मैं 4 कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ और विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स के साथ ही मैं इसमें विटामिन डी के भी 4 कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि विटामिन डी जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, जो कि फाइट करता है हमारे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को बनने से। अच्छा, इसके साथ ही मैं सनस्क्रीन्स में ऐड करूँगी। ये मुख्तलिफ SPF आपको नज़र आ रहे हैं, आप कोई सा भी SPF यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन के अंदर यूज़ कर रही हूँ 30 SPF सनस्क्रीन, जिसके मैं 2 टीस्पूंस ऐड करूँगी, क्योंकि यही है जो हमें सन के डैमेज से, सन की हार्मफुल रे से बचाएगा। इसको बहुत अच्छे से आपने बीट कर लिया, और उसके बाद आप चाहें तो ये ऑप्शनल है एरोमाथेरेपी के हवाले से, ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हमारी स्किन के लिए, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो लेवेंडर और स्वीट ऑरेंज ऑयल के मैं 10 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो भी आपकी मर्ज़ी। अब इस क्रीम को आप अच्छे से फेंट लीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और फिर दोबारा 1 घंटे के बाद इसको दोबारा से फेंट के फिर आपको फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। और अब जब आप इसे 1 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये आपकी एंटी एजिंग विंटर्स की एक ऐसी ऑल इन वन क्रीम तैयार हो चुकी है, जो कि मिरेकुलस क्रीम है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं ब्रांडेड एक्सपेंसिव क्रीम्स लेने की। ये पूरा विंटर्स जो है वो आपको सारी विंटर की प्रॉब्लम से बचाएगी। आपको दिन में 2 दफ़ा इसे यूज़ करना है। आप अपने फेस पर, हाथों पैरों पर, बॉडी पर, सब पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने का जो है ना, किसी भी क्रीम का प्रॉपर तरीका ये होता है कि आपने फेस को जब आप नहाते हैं या अपने फेस को वॉश करते हैं, उसके राइट आफ्टर दैट, यानी कि फ़ौरन उसके बाद फेस को और बॉडी को ड्राई करने के बाद आप लगा लेना, तो उस वक्त आपकी स्किन इस क्रीम को बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करेगी और इसके सारे फ़ायदे आपको पहुँचेंगे। अब इस क्रीम को आप बना के आराम से 3 महीने तक रख सकते हैं। तो ऑल इन वन एंटी एजिंग विंटर्स की ऐसी ज़बरदस्त क्रीम है जो आपको पूरा विंटर आपका ख्याल खुद ही रखेगी। बस आपको करना यह है कि इसको लगाना है और साथ साथ मुझे कमेंट्स करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जल्दी से कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, ताकि हर नई वीडियो मेरी सबसे पहले आप देखें। और अब आप मुझे YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और TikTok पर भी फॉलो कर सकते हैं।